और यूपी की सियासी लड़ाई आज फिर हिंदू मुसलमान पर आ गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर हिंदू विरोधियों का साथ लेने का आरोप लगाया है। यूपी में विवादित तकरीरों के लिए मशहूर मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तौकीर रजा ने यह ऐलान किया कि वो अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और कांग्रेस को समर्थन देंगे। बीजेपी ने आज उस पर एतराज जताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो हिंदू को गाली देता है, प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलता है, उसे विपक्ष का साथ मिलता है। संबित पात्रा ने तौकीर रजा के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता नाहिद हसन और रफीक अंसारी का भी नाम लिया। कहा कि हिंदुओं को गाली देने वाले विपक्ष के अच्छे लगते हैं। विवादित बयान देने वाले तौकीर रजा की वजह से ही बीजेपी ने आज कांग्रेस पर तो हमला बोला ही। पश्चिमी यूपी में हिंदू विरोधी बयान देने के आरोपी नाहिद हसन को टिकट देने पर समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इतिहाद ए मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को, तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। स्पर्धा हो रहा है, प्रतिस्पर्धा अर्थात कॉम्पिटिशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है, उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मुहर्रम अली उर्फ पप्पू जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।